हाय फ्रेंड, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और दोपहर के बज रहे हैं 12:30, 1:15 का टाइम हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड में क्या करें। और हम भी बैठे हैं, हमारी परी बिटिया घर चली गई हैं, हम अकेले हो चुके हैं। और तबीयत अब हमारी ठीक है, 2-3 दिनों से हमारी तबीयत ख़राब थी। ब्लॉग बनाने में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था। और ये ऐसे घर में जो है कि धूप भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम बाहर जा रहे हैं बैठने के लिए धूप में, फिर आप सभी से बातें करेंगे। फिर बातें करने के बाद उन्हें हम बनाएंगे खाना, फिर हस्बैंड जी आएंगे तो लंच पर, हस्बैंड जी लंच पे आएंगे खाना खाएंगे। तो देखिए, ये देखो धूप हो चुकी है और आज हमने इतने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े धोए हैं। इतना सारा कपड़ा हो गया था घर में कि मैं खुद थक गई धोते धोते। ठंड भी लग गई है और तबीयत भी ख़राब हो जा रही है सर्दियों में काम करते करते। तो ये धूप भी नहीं लग रही है आज, तो धूप निकली है पर धूप लग नहीं रही है। देखो पीछे गेट पे जो है धूप आ रही है पर शरीर पर धूप नहीं लग रही है। और हमारे परी चली गई है नानी के घर, तो हम हो गए हैं अकेले। और क्या करें, अकेले भी बोर हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आंखें रात में सोए नहीं है तबीयत ठीक की वजह से, तो आंखें भी ऐसी हो रही है जैसे अजीब सी हो रही है। सर में यहाँ दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या करें कुछ भी मन नहीं लगता है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कुछ खोया खोया सा है। तो हम सोचे आपसे बातें कर लें तो हमारा मन लग जाएगा थोड़ा सा। आपसे बातें करने के बाद ना जैसे शरीर का दर्द या फिर कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब दूर हो चुका है। तो इस वजह से आप कमेंट में बताइएगा कि अगर हम कोई परेशानी में हैं, आप बातें करने के बाद कितना अच्छा महसूस होता है हमें, तो आप लोग कमेंट में हमें बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।